हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। दिए हुए चित्र में पी क्यू समांतर है ए बी के, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और पी आर समांतर है बी सी के, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, हमें कोण ए बी सी का माप ज्ञात करना है, हमें इसका माप ज्ञात करना है। तो आइए एक काम करते हैं, इस रेखा को ए बी को पी आर की तरफ थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेद करेगी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं टी। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ एक इस प्रकार का जेड बन रहा है, तो इस कोण का माप इस कोण के बराबर होगा 102। ये एक सीधी रेखा है तो ये होगा 78, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनाएंगे। और जब हमारे पास ये आ गया 78, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का जेड बन रहा है। तो कोण ए बी सी का माप आ गया हमारे पास 78। दूसरा तरीका ये था, इसको हम डायरेक्टली इतना दूर नहीं लेके जाने पड़ता हमें, ये इसको मिलाने की, इस कोण को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। इन दोनों कोणों का माप 180 है, क्यों? क्योंकि ये एक तरफ हैं, इस रेखा के एक तरफ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से 78 आ जाता, और फिर उसका एकांतर अंतः कोण ए बी सी है, तो ये भी 78 आ गया।